जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए मोदी मंत्रिमंडल, यह जो अपडेट है यह अक्टूबर 2023 का तक का है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री, कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग एवं अन्य सभी नीतिगत मुद्दे विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है के मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इन सभी विभागों के प्रमुख हैं। बात यह हो रही नरेंद्र मोदी की, जिनका लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी उत्तर प्रदेश, मंत्रालय है जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग एवं अन्य सभी नीतिगत मुद्दे विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है वह सभी नरेंद्र मोदी के पास है। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में देश के जो रक्षा मंत्री हैं वह राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह वर्तमान समय में देश के रक्षा मंत्री हैं। बात यह हो रही राजनाथ सिंह की, जिनका लोकसभा क्षेत्र है लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, और मंत्रालय इनके पास है, रक्षा मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री वर्तमान समय में कौन है? तो भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री वर्तमान समय में जो है वह अमित शाह। अमित शाह जी वर्तमान समय में देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। बात क्या हो रही है अमित शाह की, जिनका लोकसभा क्षेत्र है गांधीनगर गुजरात, मंत्रालय इनके पास है गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री, भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी वर्तमान समय में देश का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। बात क्या हो रही है नितिन जयराम गडकरी की, जिनका लोकसभा क्षेत्र है नागपुर महाराष्ट्र, मंत्रालय इनके पास है रोड परिवहन व हाईवे मंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामले के जो मंत्री हैं वह निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वर्तमान समय में देश के वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री हैं। बात की हो रही निर्मला सीतारमण की, जो कि राज्यसभा सांसद है कर्नाटक से, मंत्रालय इनके पास है वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मंत्रालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान समय में देश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। बात क्या हो रही नरेंद्र सिंह तोमर की, जिनका लोकसभा क्षेत्र है मुरैना मध्य प्रदेश, मंत्रालय इनके पास है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री जो हैं वह हैं डॉक्टर सुब्रह्म जयशंकर। डॉक्टर सुब्रह्म जयशंकर वर्तमान समय में देश के विदेश मंत्री हैं। बात यह हो रही डॉक्टर सुब्रह्म जयशंकर की, जो कि राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से, मंत्रालय इनके पास जो है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय डॉक्टर सुब्रह्म जयशंकर जी के पास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के वाणिज्यिक उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल इन सभी विभागों के प्रमुख हैं। बात क्यों रही पीयूष गोयल की, जो कि राज्यसभा सांसद है महाराष्ट्र से, इनके पास मंत्रालय है कपड़ा, वाणिज्य उद्योग मंत्री तथा उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में महिला एवं बाल विकास मंत्री के साथ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में महिला एवं बाल विकास मंत्री के साथ अल्पसंख्यक मामलों की जो मंत्री हैं वह स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी इन सभी मंत्रालय के प्रमुख हैं। बात क्या हो रही स्मृति जुबिन ईरानी की, जो कि लोकसभा क्षेत्र है अमेठी उत्तर प्रदेश से, मंत्रालय इनके पास है महिला और बाल विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों की अतिरिक्त प्रभारी को मिला है, जो स्वच्छ भारत मिशन की देखभाल भी करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो भारत के जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं वह हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। बात यह हुई अर्जुन मुंडा की, जिनका लोकसभा क्षेत्र खूंटी झारखंड, मंत्रालय इनके पास है जनजातीय मामलों के मंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला एवं खनन मंत्री कौन है? तो भारत के संसदीय कार्य मंत्री और कोयला एवं खनन मंत्री जो हैं वह प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जोशी जी भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला एवं खनन मंत्री हैं। बात क्यों रही प्रहलाद जोशी की, जिनका लोकसभा क्षेत्र धारवाड़ कर्नाटक, मंत्रालय इनके पास जो है संसदीय मामले, कोयला तथा खनन मंत्री हैं इनके पास ये हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, भारत के नए कानून एवं न्याय मंत्री कौन है?
तो भारत के नए कानून एवं न्याय मंत्री जो हैं अर्जुन राम मेघवाल देश के नए कानून एवं न्याय मंत्री हैं। बात क्यों रही अर्जुन राम मेघवाल की, जिनका लोकसभा क्षेत्र बीकानेर राजस्थान, मंत्रालय इनके पास है कानून एवं न्याय मंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत के पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन है? तो भारत के पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री जो है किरण रिजिजू देश के नए पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं। इनका लोकसभा क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश पश्चिम क्षेत्र से और मंत्रालय इनके पास है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री एवं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो उसका राइट आंसर हो जाता है अश्विनी वैष्णव देश के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री एवं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। बात करें अश्विनी वैष्णव की, जो कि राज्यसभा सांसद है उड़ीसा से, मंत्रालय इनके पास है रेलवे, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मनसुख मंडाविया देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय इनके पास है। बात की हो रही मनसुख एल मंडाविया की, जिनका राज्यसभा सांसद गुजरात से, मंत्रालय इनके पास है स्वास्थ्य व परिवार कल्याण तथा रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत की शिक्षा मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। बात की हो रही धर्मेंद्र प्रधान की, जिनका राज्यसभा जो कि राज्यसभा सांसद है मध्य प्रदेश से, मंत्रालय इनके पास है शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर हो जाता है गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। बात की हुई गजेंद्र सिंह शेखावत की, जिनका लोकसभा क्षेत्र है जोधपुर राजस्थान, मंत्रालय इनके पास है जल शक्ति मंत्रालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर हो जाता है भूपेंद्र यादव। बात क्या हो रही भूपेंद्र यादव की, जिनका जो कि राज्यसभा सांसद है राजस्थान से, मंत्रालय इनके पास है वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इनके पास है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, भारत के सूचना प्रसारण मंत्री एवं युवा मामलों और खेल मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अनुराग सिंह ठाकुर भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय एवं युवा मामलों और खेल मंत्रालय इनके पास है। बात यह हो रही अनुराग ठाकुर की, जिनका लोकसभा क्षेत्र है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, मंत्रालय इनके पास है सूचना व प्रसारण तथा खेल व युवा मामलों के मंत्रालय इनके पास है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? तो भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री जो हैं वह राजकुमार सिंह भारत के विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री हैं। बात क्यों नहीं राजकुमार सिंह की, इनका लोकसभा क्षेत्र है आरा बिहार, मंत्रालय इनके पास है पावर, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जो है नारायण तातुराणे वर्तमान समय में देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं। बात यह हुई नारायण तातुराणे की, जो कि राज्यसभा सांसद है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के पूर्व सीएम भी रहे हैं। इनके पास मंत्रालय है सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह था हरदीप सिंह पुरी देश के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। बात क्यों हरदीप सिंह पुरी की, जो कि राज्यसभा सांसद है उत्तर प्रदेश से, मंत्रालय इनके पास है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री एवं आयुष मंत्री कौन है? तो देश के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री एवं आयुष मंत्री जो है वो है सर्बानंद सोनोवाल भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री हैं। बात क्यों सर्बानंद सोनोवाल की, जो कि राज्यसभा सांसद है असम से, मंत्रालय इनके पास है आयुष मंत्री, पोर्ट शिपिंग व जलमार्ग मंत्री ये हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? भारत के ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गिरिराज सिंह देश के ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री हैं। बात क्यों गिरिराज सिंह की,
इनका लोकसभा क्षेत्र है बेगूसराय बिहार, मंत्रालय इनके पास है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री एवं इस्पात मंत्री कौन है? तो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री और इस्पात मंत्री जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि राज्यसभा सांसद है मध्य प्रदेश से। मंत्रालय इनके पास है नागरिक उड्डयन मंत्री, इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार इन्हें मिला हुआ है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है? तो भारत के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री जो है वह महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं। बात हो रही महेंद्र नाथ पांडे की, इनका लोकसभा क्षेत्र चंदौली उत्तर प्रदेश। मंत्रालय इनके पास है भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारत के डेयरी पशुपालन और मत्स्य पालन के मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है पुरुषोत्तम रूपाला इन सभी मंत्रालयों के मंत्री हैं। बात यह हो रही पुरुषोत्तम रूपाला की जो कि राज्यसभा सांसद है गुजरात से। मंत्रालय इनके पास पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जो है वह है डॉक्टर बीरेंद्र कुमार भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। बात यह हुई डॉक्टर बीरेंद्र कुमार की, जिनका लोकसभा क्षेत्र है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। मंत्रालय इनके पास है सार्वजनिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारतीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो भारतीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री जो है पशुपति कुमार पारस भारतीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। बात की हो रही पशुपति कुमार पारस की, जिनका लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर बिहार। मंत्रालय इनके पास है खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन है भारत की संस्कृति मंत्री एवं पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है जी किशन रेड्डी वर्तमान समय में देश के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं। बात यह हो रही जी किशन रेड्डी की, जिनका लोकसभा क्षेत्र है सिकंदराबाद तेलंगाना। मंत्रालय इनके पास है संस्कृति व पर्यटन मंत्रालय इनके पास है। तो यार हम मोदी मंत्रिमंडल 2023 जो कि अक्टूबर 2023 तक का अपडेट है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है भारत की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? भारत की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ, कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरे कंटेंट पसंद आ रहे तो प्लीज वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस फॉर मोर।